हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्नो का केमोन 15, जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। और जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। तो आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, तो स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया खोजेंगे, मिल गया इंडिया, इस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लगा है तो नीचे स्किप पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क मांग रहा है। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फोन नहीं है तो आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कनेक्ट पर टैप कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया, यहाँ से आगे बढ़ गया। अब हम यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यहाँ नीचे में देखिए लिखा हुआ है डाउन कॉपी, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर पैटर्न लॉक डालने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पैटर्न लॉक डालने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पैटर्न लॉक पता है दोस्तों, तो यहाँ पर ड्रॉ करें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है, और दूसरा कोई पैटर्न लॉक डालते हैं तो वह रॉन्ग पैटर्न लिख के आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है दोस्तों, तो यहाँ पे डाले, लॉगिन करें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ लॉक का सिंबल भी बना हुआ, मतलब इसमें FRP लॉक लगा है और नेक्स्ट करने से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हम लोग बैक आ जाएंगे और बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक बैक आएंगे। आ गए वाईफाई नेटवर्क तक। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे नीचे में ऐड नेटवर्क दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए नीचे में कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड के कोने पर आपको माइक वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे डिनाई लिखा है, इस पर टैप करेंगे। फिर से हम लोग माइक पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे वाले पर टैप करेंगे। दो बार हो गया। अब जब हम लोग तीसरी बार इस माइक पर टैप करेंगे तो देखिए क्या होता है। फिर से माइक पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ अलाउ, इस पर टैप कर देंगे तो हम लोग के सामने में जी बोर्ड खुल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ है परमिशन, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब आपके सामने में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको सर्च बार दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्रीन। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रीन। जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्क्रीन लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पिनिंग, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पिनिंग, ये ऑफ है, इस पर टैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर में ये ऑप्शंस ऑफ है, इसे ऑन कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शंस को भी ऑन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, सेकेंड में लिखा है फिंगरप्रिंट प्लस पिन, और लास्ट में लिखा हुआ फिंगरप्रिंट प्लस पासवर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से किसी भी एक पे टैप करेंगे और यहाँ पर एक नया स्क्रीन लॉक बना लेंगे। तो चलिए हम लोग पिन पे टैप कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक नया स्क्रीन लॉक बना लेंगे, तो यहाँ पर पिन डालना होगा। तो चलिए एक नया पिन डाल देते हैं, 1234। नेक्स्ट करेंगे, फिर से री एंटर करने बोल रहा है, फिर से डाल देंगे 1234। अब यहाँ कंफर्म पे टैप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे स्किप दिख रहा है, स्किप पे टैप करेंगे, ठीक है, हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक बार बैक आएंगे। अब हमारे फ़ोन में लॉक लगा है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना होगा, पावर बटन को एक बार क्लिक करना होगा।
चलिए पावर बटन को एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्वैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लग चुका है, तो हम लोग जो अभी लॉक सेट किए हैं वही लॉक हम लोग यहाँ डाल देंगे, 1 2 3 4। तो देख सकते हैं लॉक खुल गया, मतलब लॉक काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, पूरा बैक आएंगे। कहाँ तक बैक आएंगे, वाईफाई नेटवर्क तक। आ गए वाईफाई नेटवर्क तक बैक, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो और बैक आ जाएंगे, और बैक आएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे। आ गए स्टार्ट मेन्यू में, फिर से हम लोग यहाँ स्टार्ट पर टाइप करेंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अब यहाँ नीचे डोंट कॉपी पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है फ्रेंड, यहाँ पर पहले पैटर्न लॉक मांग रहा था जब इस फोन में लॉक लगा हुआ था, जब हम लोग इस फोन में पासवर्ड लॉक लगा दिए तो यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है। तो चलिए हम लोग जो पासवर्ड लॉक सेट किए इस फोन में वही डाल देते हैं, 1 2 3 4, नेक्स्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड लॉक ले लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है, पर आपको जीमेल आईडी साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए नीचे में आपको स्किप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टाइप करेंगे और स्किप कर देंगे, यहाँ पे स्किप पे टाइप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे मोर पे टाइप करते हुए एक्सेप्ट पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पर अनटिक करेंगे सबसे ऊपर वाले को, उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास 100% हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, अब यहाँ नीचे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट पे टैप करेंगे। तो फ्रेंड इतना करने के बाद हमारा फ़ोन का लॉक 100% अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देख सकते हैं इसमें से गूगल अकाउंट लॉक हट चुका है, मतलब FRP लॉक हट चुका है। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।